हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बार्ले दलिया, जौ का दलिया भी जिसको बोलते हैं। ये देखिए, मैंने ये वाला पैकेट मंगाया था, पतंजलि का भी आता है, बहुत अच्छा है, वो भी आप बना सकते हैं। इसको मैंने ना 2-3 घंटे सोक कर लिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया। देखिए आप, मैश हो रहा है ऐसे, है ना। तो इसको हम बाद में बॉईल करेंगे। और मैंने खूब सारी ना वेजीज ली हैं इसके लिए। मैंने एक गाजर को चॉप कर लिया है, एक बड़ी शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, 1 कप फ्लोरेट चाहिए इसके फूल गोभी के लिए हैं। इसको मैं ना नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैं वैसे भी गोभी को ना हल्का सा पार बॉईल कर लेती हूँ। तो एक बड़ी प्याज को हमने चॉप कर लिया है, आधा पत्ता गोभी को ले लिया है। तो इन सब के साथ बनाते हैं हम बढ़िया सा दलिया। और ये देखिए, हमने आधा कप दलिया के लिए 5 गुना उसका पानी लिया है ना, 19 कप को 5 बार ले लिया है, तो 2.5 कप के करीब पानी हो गया है ना। तो अब हम इसमें उबलते हुए पानी में ये दलिया डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हम सब्जियों में भी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैं हेल्दी वर्जन इसका बना रही हूँ। ऑयल डालने से यह है, वो आपस में चिपकता नहीं है। हालांकि बिना ऑयल के भी हम अच्छा बना सकते हैं, तो मैं इसको बना रही हूँ। और ढककर हम इसको पकाएंगे अब। और इधर दूसरी गैस पर हम दलिया उबलने के लिए रख देंगे। और इधर हमने लिया है 1 चम्मच घी, केवल 1 चम्मच लेना है घी को। घी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये करी लीव्स, एट टू टेन करी लीव्स। और जब करी लीव्स हल्की क्रिस्पी हो जाए तो डाल देंगे हम इसमें कटा हुआ प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, मीडियम साइज के लिए, तो आप 2 ले सकते हैं। सब्जियां आप जितनी ज्यादा डालेंगे उतना ही ये टेस्टी लगेगा। प्याज हल्का सौते हो गया है, उसी के साथ हम डाल देंगे इसमें ये 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। इसकी खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी आती है। और क्योंकि गाजर जो है देर से पकती है, तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें एक गाजर। पूरी एक बड़ी गाजर हमने काटी है, चॉप की है चॉपर में, और इसको भी हम हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब डालेंगे हम ये पत्ता गोभी, साथ में गोभी, गोभी तो हमारी बॉईल है, और इसको भी हम थोड़ी देर ऐसे हल्का सा क्रंची रहे बस। सब्जियां बहुत गलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज ना हम दलिये के साथ भी इनको पका सकते हैं। पर यह है, जब तक आपका दलिया उबल रहा है तो टाइम कम लगेगा, ऊपर से सब्जियों का कलर वैसा ही रहेगा, और क्रंची सब्जियां अच्छी लगती हैं। बिल्कुल वो पानी में गली गली सब्जियां ना उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो देखिए, 1 चम्मच घी में ही हमने सारा ये सब्जियों को भून लिया है। इसी के साथ डाल देंगे हम ये शिमला मिर्च, सबसे लास्ट में शिमला मिर्च डालिए, क्योंकि शिमला मिर्च का ना जल्दी गल जाती है, और वो बहुत गली हुई सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं, सबको शिमला मिर्च पसंद नहीं होती है ना। वैसे आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कोई भी स्किप कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं सीजनल वेजिटेबल्स। तो इसको 1 मिनट भून के फिर हम आपसे मिलते हैं। और मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा ये पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा हमने दलिये में डाला है, तो पहले शुरू में कम ही डालिए, फिर चक्कर देख लेंगे। सब्जियां तैयार हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब। और बाकी ना हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, नमक और काली मिर्च का स्वाद बस, क्योंकि ना ज़्यादा मसाले डालने से भी ना सब्जियों का फ्लेवर चला जाता है, जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो आना चाहिए, और हेल्दी है। फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हेल्दी बना रहे हैं हम, है ना। कुछ चॉप्ड धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, दलिया भी हमारा बहुत अच्छे से ये हो गया है। हमने थोड़ा खुला पका लिया है इसको। अगर आप पानी बिल्कुल कम चाहते हैं तो आप 4 गुना डाल सकते हैं। 5 गुना पानी में ना इतना अच्छा पक गया है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम।
और ये क्योंकि मैं दलिया बना रही हूँ, उपमा नहीं बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये फ्लोई चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खिला खिला पुलाव की तरह। और हेल्दी बनाना है ना, तो इसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी। तो अब हम डालेंगे इसमें ये दलिया सारी सब्जियों में। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, और करेंगे मिक्स। हमें लग रहा था आधा कप दलिया कम होगा, मगर काफ़ी क्वांटिटी इसकी बन गई है, 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। बाकी अपनी डाइट के ऊपर है। ये देखिए अब हम इसे 1-2 मिनट और ढककर पकाएंगे। वाह कितनी सारी सब्जियां हैं, कितना बढ़िया बना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए परफेक्ट, आप खुला भी इसको थोड़ा सुखा सकते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप चाहें तो गार्निश करते वक्त इसमें 1/2 चम्मच घी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। थोड़ा सा शाइन आ जाएगी। ये देखिए अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए फ्रेश भाप निकल रही है, कुछ हमने धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लिया था, ऊपर से ये सब्जियां भी मैंने थोड़ी सी फ्राई सब्जियां निकाल ली थी जो हमने पहले फ्राई की थी, ताकि और सुंदर लगे देखने में, खाने में। लग रहा है ना मज़ेदार? ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्यूटिफुल यमी।